हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार, आप देख रहे हैं 1195th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। मेंटल हेल्थ को लेकर एक अलग किस्म की अवेयरनेस पिछले 2-3 हफ्तों में हमने बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पे बात करी, लेकिन आज का जो विषय है वो क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है हमने इसको दो हिस्सों में बांटा और दो हम बात करने वाले हैं, लेकिन वो पर्सपेक्टिव क्या होगा, वो थॉट प्रोसेस क्या होगा, वो बात क्या होगी, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं सास बहु और साजिश में मिसेस सोनल फुके। मैम नमस्कार। मैम कैसी हैं? बढ़िया मैम। ये टॉपिक जब जैसे ही मैं ये लेता हूँ, नाम भी लेता हूँ इस टॉपिक का, तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल। एज अ बहू या फिर होने वाली सासू माँ, दोनों। मैम सास बहू, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ये एकता कपूर के जितने भी सीरियल्स आए हैं इन्होंने घर की बातें टेलीविजन पर इस तरीके से प्रदर्शित की है कि लोगों की जो मानसिकता है वो भी बहुत बदली है ना मैम। सीखने को कम मिला है, चीजें खराब करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है। सही बात। लेकिन मैम सीरियल्स में तो हर चीज हो सकती है, वो एक रूपांतरण होता है कहीं ना कहीं रियल लाइफ का। मैम फिल्में भी वही दिखती हैं जो कहीं ना कहीं जिंदगी में होती हैं, चीजें जिंदगी से ही इंस्पायर होती है। मैम दो रिश्ते हैं, एक जो घर छोड़ के आई है और एक जो उस घर की रानी ऑलरेडी है। मैम कैसे देखती हैं आप इसको? जैसे लाइफ होता है ना, एक एक स्टेप आगे आगे लाइफ जाता है, वैसे ही एक एक रिलेशनशिप में हम एंटर करते हैं जी। तो ये एक बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक प्रोसेस है कि आप जैसे कभी कोई जॉब करते हैं तो आप उसमें एक सीनियोरिटी पोजीशन में आप चले जाते हैं जी। वैसे जो जूनियर्स होते हैं वो धीरे धीरे सीनियर बनते हैं, तो वैसे ही एक एक नया नया रोल, जब बेटे की शादी होती है तब नेचुरली ये एक नया रोल आता है मदर इन लॉ। लेकिन जैसे तुमने अभी बोला कि ये सीरियल्स ने थोड़ा सा ज्यादा ही उसको ये किया है, उसमें मुझे एक इच्छा होती है बताने की कि ये शुरुआत जो ये रिलेशनशिप की है वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग के साथ पहले होती है। जो बायस शुरू से ही, जब लड़की घर छोड़ के जब ससुराल में जा रही है जी। तब अगर उसको ये बताया गया कि, या फिर बाकी जो रिश्तेदारों में जो बातें होती है या ऐसे जनरल बातचीत में अगर उसको ये अगर सेंस होता गया लगातार कि मदर इन लॉ ये एक विलन वाला रोल ही प्ले करने वाली है लाइफ में जी, तो वो जो रिलेशनशिप की शुरुआत है, जैसे एक एपिसोड में मैंने बताया था कि हम इमोशनल बैंक अकाउंट्स बनाते हैं जी, जब कोई नया रिश्ता बनता है तो जब हम वो रिश्ते की शुरुआत ही उस नजरिए से करते हैं कि अभी तुमको तुम्हारे मदर इन लॉ का सब ऐसे सुनना पड़ेगा, वो ऐसे डांटेगी, वैसे डोमिनेट करेगी, और उस तरह से अगर आप रिश्ता शुरू करते हैं उस स्टीरियोटाइपिंग के साथ, और अदर वे राउंड, जैसे अगर बहू आने वाली है तो सास को अगर उसकी फ्रेंड्स ये बताती हैं या सोसाइटी में अगर यही चर्चा होती है कि ये नई आने वाली लड़की है, हो गया अभी तुम्हारा तो गया, तुम्हारा तो राज गया जी, तो ये जो शुरुआत जो होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड शुरुआत होती है जिसकी जरूरत नहीं है। और सोसाइटी बदल रही है और थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि ये अपने जो बहुत ही पास के जो रिलेशंस हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, तो आप उसके लिए अगर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो आपने करना चाहिए। और ये बिलीफ के साथ जब रिश्ता शुरू होता है जी, तो वो और अच्छे लेवल पे जाने का चांस मतलब अच्छा ही होता है शुरू से। तो इसलिए जब रिश्ते की शुरुआत होती है तो वो जो स्टीरियोटाइप जो होता है दिमाग में, थोड़ा सा उसको हटा के रिश्ता देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैम एक बड़ा सरल सवाल है कि क्या मदर इन लॉ, मतलब ये बहुओं के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि क्या मदर इन लॉ इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन एंड शुड डॉटर इन लॉ थिंक लाइक दैट कि मदर इन लॉ इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन? देखिए मदर इन लॉ जो व्यक्ति है तो वो आपके हस्बैंड की माँ जी, तो हर इंसान, वो कोई भी उम्र का क्यों ना हो,
बहू हो, बेटी हो, या ननद हो, या मदर इन लॉ हो, कोई भी हो, हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है जी, है ना। तो ये जो बहू है उसका जो हस्बैंड है, मतलब जो लड़का है जी, उसके अंदर भी एक बच्चा छुपा हुआ है। बराबर। और वो बच्चे को, वो बच्चा बड़ा हुआ ने, जी, जी। बच्चा बड़ा हुआ है, पूरे दुनिया के लिए बड़ा हुआ है, लेकिन एक उसके अंदर जो बच्चा जो है जी, उसकी नीड तो होती ही है, कि सबकी होती है। वो बच्चे को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अभी हमारे फोकस में है जी, लेकिन वो मदर इन लॉ ने आपके हस्बैंड को जो बचपन से बड़ा किया है, तो उसको हजारों बार बचाया होगा जी, हजारों बार फिजिकली गिरते गिरते बचाया होगा, या गलत डिसीजंस में बचाया होगा जी। तो वो जो मदर इन लॉ है उसका रोल ये शुरू से अब तक ऐसा रहा है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव रही है वो बेटे के लिए जी। और ऐसा बोलते हैं ना कि माएं वैसे बड़ी नहीं होती है जी, बेटे और बेटियां बड़े हो जाते हैं, मगर माएं तो माएं ही रहती है। उनके लिए उनका जो बेटा बड़ा भी हो गया, फिर भी वो, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो सही है या गलत है जी, वो बात नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी क्यों होती है मदर इन लॉ, क्योंकि उनके लिए उन्होंने हमेशा वही रोल प्ले किया है कि अपने बेटे के जरूरतों का ध्यान रखना, उसको सेफ एनवायरनमेंट देना, और अगर उसके एनवायरनमेंट में अगर कोई नई व्यक्ति आ रही है जी, तो वो थोड़ा सा स्केप्टिकल तरीके से वो देख सकती है। अभी हम इस बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है जी, पर नेचुरल जो साइकोलॉजी है वो ये है कि इसलिए वो मदर इन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज There is a child that is hidden in your husband. But ma'am, mother-in-law usually to demanding or dominating, you know, बहुओं को ज्यादा स्पेस नहीं देने वाली होती है जनरली। हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि वो रोल उन्होंने अब तक प्ले किया हुआ है, तो एक रोल से दूसरे रोल में ट्रांजिशन करने के लिए उन्होंने कोई क्लासेस नहीं किए हैं जी, तो उनकी साइकोलॉजी वैसी है कि अब तक वो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके घर का जो भी रहन सहन चलन है, जो भी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट जो है जी, सो शी इज द वन हु हैज टेकन इट फ्रॉम हर मदर इन लॉ, सो नाउ शी इज ग्रेजुअली गोइंग टू पास इट ऑन टू हर डॉटर इन लॉ। तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि मदर इन लॉ एक थोड़ा सा सुधारने के इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है कि वो स्पेस कम लगती है बहुओं को, क्योंकि वो भी नई आई हुई होती है उस घर में जी, उसके जो घर का जो चलन और रहन सहन जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। एक जो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा गलत जो करती हैं लड़कियां, जो नई बहुएं हैं, वो सीधा उठा के कंपेयर करती हैं अपने माँ को अपने मदर इन लॉ के साथ। अच्छा, कि वो कितना स्पेस देती थी और ये नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ स्पेस बट इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे खाना कैसे बनाती थी मम्मी कैसे करती थी और मेरी मदर इन लॉ कैसे करती है जी? मम्मी कैसे कपड़े पहनती है, मदर इन लॉ कैसे। अभी आप ये सोचिए ना कि आप बचपन से आप अपने मम्मी को बड़ा होते हुए देख रहे हैं, उनके साथ साथ आप भी बड़े हुए हैं जी, तो नेचुरली आप पे अपने मदर का इन्फ्लुएंस है, नेचुरल है वो, मगर योर मदर इन लॉ is a different person who has a very different perspective, different views. Your mother-in-law has raised a son, whereas your mother has raised you, a daughter. तो वो जो expectation है कि अभी ये मुझे बहुत अजीब लगता है कभी कभी, जब even mother-in-laws भी जब introduce करती हैं, अरे ये हमारी बहू नहीं है, ये हमारी बेटी है जी, ऐसा क्यों करती है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि बहू को वो कम प्यार देंगी या वो बेटी जैसी ज्यादा है? ऐसा क्यों कंपैरिजन होना चाहिए कि बेटी को ज्यादा प्यार और बहू को कम प्यार? ऐसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, बहू है तो बहू है, बहू भी उतनी प्यारी हो सकती है ना जितनी बेटी है, बिल्कुल। तो ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ये हमारी बहू नहीं है, ये हमारी बेटी है जी? तो वो उनका पर्सपेक्टिव शायद ये होगा कि बेटी है मतलब एकदम कंफर्टेबल जोन में आ गई, लेकिन फिर उसके एक्सपेक्टेशंस भी तो आप कैसे सेट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन मैम, जब नई नवेली दुल्हन जब जाती है शादी करके, तो वो भी बहुत सारी अपेक्षाएं तो लेकर जाती है ना मैम, तो क्या उसने इन अपेक्षाओं से पहले या फिर इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्या ये कुछ ऐसी मैम स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं क्या? मतलब क्या बहुओं को इस किस्म की एक मॉड्यूल ऐसा तैयार हो सकता है, यू नो, सास ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोल सकता है मैम? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप जब एक
नए जॉब पर जब आप जाते हैं या आप नया बिजनेस आप शुरू करते हैं, आप अभी बिल्कुल नए सेट ऑफ लोगों के साथ मिलने वाले हैं, एक नया रिश्ता आप बनाने वाले हैं। तो जब आप ये नए रिश्ते में जब शादी होके जा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल गलत नहीं है, इनफैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि दैट गिव्स यू योर यू नो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, एक गाइडलाइंस होनी चाहिए जी। और नई बहुओं के लिए सबसे बड़ा गाइडलाइन ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप अभी नए घर में आप जिन लोगों के साथ बनाने वाले हो, तो वो थ्रू अपने हस्बैंड आपने नहीं बनाना चाहिए। हर एक के साथ अपना एक आपने इंडिविजुअल रिश्ता बनाना चाहिए जो थ्रू हस्बैंड नहीं होना चाहिए। जैसे फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप है मगर थ्रू आपके हस्बैंड है जी। जैसे आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो आप थ्रू हस्बैंड कर रहे हो जी। फिर क्या है, वो हस्बैंड का भी तो एक अपना फिल्टर उसमें ऐड हो जाता है ना जी। तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके, जैसे आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपका अगर ब्रदर इन लॉ है, आपकी मदर इन लॉ है, उनके साथ आपका वन ऑन वन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी दैट आई वुड यू नो स्ट्रांगली सजेस्ट, बिकॉज दैट गिव्स यू अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग योर ओन रिलेशन विद द से फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ। तो योर हस्बैंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप विथ योर मदर इन लॉ, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ गुड रिलेशनशिप विथ योर ओन मदर इन लॉ। समझे लग तो नहीं मैम प्लीज प्लीज कम्प्लीट कीजिए। हाँ नहीं, मुझे पहली स्ट्रेटजी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है कि बिल्ड योर ओन रिलेशनशिप, बिल्ड योर ओन रिलेशनशिप, दैट इज वन। एंड सेकंड इज दैट कीप द स्टीरियोटाइपिंग असाइड। स्टीरियोटाइप अगर रहा ना दिमाग में कि मदर इन लॉ है तो मतलब वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ही फिट होती है, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि फिर आपने अगर वो ग्रीन कलर का चश्मा ही अगर आपने पहन लिया है जी, तो आपको ग्रीन ही दिखने वाला है, आपको वैसे ही दिखेगा जैसा आपका बायस है, जैसे आपने पहले से सोच के रखा है। तो जैसे जैसे सिचुएशंस आते हैं आप थोड़ा सा ये बात को समझिए कि वो मदर इन लॉ का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड्स में भी इस बारे में, जो कपल्स के बारे में जब हमने बात की थी जी, कि द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ हैव टू डिफरेंट कलर्ड स्पेक्टेकल्स। ट्रू। सो इफ अ डॉटर इन लॉ इज लुकिंग थ्रू अ रेड लेंस, शी विल सी थिंग्स रेड, एंड द मदर इन लॉ विल सी थिंग्स से ब्लू और ग्रीन और व्हाटएवर कलर दैट इज। सो द कलर्स आर डिफरेंट बट देन दे शुड बी यू नो विलिंग टू एडजस्ट। नाउ एडजस्ट इज द वर्ड, willing to adjust to at least understand, that is the first step. They should build a rainbow between. Understand that she can have a different perspective. जी. She can actually, you know, she could be coming from a different, एक बहुत ही simple example है. जैसे अभी नई नई बहू आई है, अगर उसको लगता है कि मैंने अपने husband को बहुत बढ़िया खाना बना के खिलाना चाहिए, गरम गरम पराठे बना के, ऑफिस से वो आ रहा है, जस्ट एक बेसिक एग्जांपल, ऑफिस से आ रहा है तो गरम गरम पराठे बना के खिलाने चाहिए, उस वक्त अगर मदर इन लॉ बोलती है कि ये रोज रोज पराठे खिलाना अच्छी बात नहीं है, तो द डॉटर इन लॉ कैन गेट अफेंडेड, एक तो मैं इतना गरम गरम बना के खिला रही हूँ और आप उसमें टोक रहे हैं। अब इसमें ये पर्सपेक्टिव हो सकता है दैट द मदर इन लॉ नोज दैट देर आर सर्टन यू नो प्रॉब्लम्स इन द फैमिली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कि दिस हर सन शुड नॉट ईट दैट मच ऑफ ऑयल एवरी डे। वो पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि वो एक्सप्लेन ना करते हुए बोले जी, मगर ये बोले कि नहीं नहीं इतना तेल रोज अच्छा नहीं है, सादा सादा खाना चाहिए, तो द डॉटर इन लॉ कैन गेट अफेंड। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट एंड द डॉटर लॉ कैन स्टार्ट थिंकिंग कि मेरी सासू माँ तेल बचा रही है, मैंने कुछ भी बनाया तो भी तेल बचा रही है, हो सकता है कि इनको तो कदर ही नहीं है मेरे बना, वो भी हो सकता है। और वो हस्बैंड को भी बोलना शुरू कर दे कि तुमको तो कभी किसी ने गर्मा गर्म खाना खिलाया नहीं, अब मैं तुमको खिला रही हूँ, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये भी एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दोनों फीमेल्स होती है, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, इन दोनों के लिए उनका बेटा और उनका हस्बैंड बहुत ही मतलब बिल्कुल ऐसी सबसे क्लोज टू हार्ट वाला इंसान है जी। लेकिन ये जब होता है ना टसल जब होता है तब वो लड़के बहुत सैंडविच हो जाते हैं उसमें जी, और उसमें फिर कंप्लेंट्स अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग विद द व्यू पॉइंट ऑफ मदर इन लॉ टुडे जी,
तो ऐसा बहुओं को लग सकता है कि ये मेरी साइड नहीं लेते हैं या फिर ये अपने माँ का ज्यादा सुनते हैं या जो भी है, तो अगेन आई वुड लाइक देम टू ट्रीट दैट एज यू नो द चाइल्ड दैट रिसाइड्स विद इन योर हस्बैंड. सी, ये तो बोलने की जरूरत भी नहीं है कि जो सारे लड़के होते हैं उनको उनके माँ की प्लस माइनस सारी चीजें बहुत अच्छे से मालूम होती है जी. उनको वो बहुओं से अपनी वाइफ से अलग से उनको सुनने की जरूरत नहीं होती है कि उनके माँ में क्या पॉजिटिव चीजें हैं क्या निगेटिव चीजें हैं. उनको जरूर उनको मालूम है, उनसे ज्यादा किसको मालूम है. टेल मी समथिंग आई डोंट नो. एग्जैक्टली जी. तो बट देन फॉर दैट सन द मदर इज इन एन एक्सेप्टेड स्टेट. तो वो एक्सेप्टेड स्टेट होने की वजह से जो भी उनकी निगेटिव चीजें हैं वो एक्सेप्टेड होने की वजह से वो फिर उसके आगे बढ़ते हैं. एंड दे मेनी टाइम्स दे वांट टू टेक द साइड ऑफ देयर वाइव्स बट अगेन द चाइल्ड दैट रिसाइड्स विद इन द हस्बैंड विल एक्चुअली गेट बैक. वो तो मसल मेमोरी है क्योंकि इतने सालों से. एक चीज ना मुझे बहुत अच्छी मुझे एनालॉजी जो लगती है, जो चीजें हम बचपन से करते हैं ना तो हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं जी. न्यूरल जैसे एक चीज आपने की, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा पहली बार नीचे गिरा है उसके मम्मी ने उसको उठाया है उसको ठीक किया है, तो देर इज अ स्मॉल ऐसे ब्रेन में ना ऐसे छोटी सी पगडंडी बन जाती है कि मैं गिरा और मम्मी ने मुझे हेल्प किया जी. फिर कल कुछ और हुआ और फिर मम्मी ने मुझे हेल्प किया, परसों कुछ और हुआ, ऐसा करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स वो जो पगडंडी न्यूरल नेटवर्क की जो बनी थी रिश्ता माँ और बेटे का, तो वो बिल्कुल हाईवे बन गया है जी. कि मदर एंड सन के बीच में, क्योंकि इतने सालों का उसमें जो हमने इवन डिपॉजिट्स के बारे में जो बात की थी तो बहुत सॉलिड बैंक अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है उसमें जी. तो उसकी वजह से काफी बार ऐसा हो सकता है कि वो लड़के का भी जो पर्सपेक्टिव है तो वो अपने माँ को उस इसमें इम्पोर्टेंस दे. तो इसमें एक चीज मुझे बताने की इच्छा होती है ये लड़कियों को कि जो न्यूली मैरिड जो लड़कियां हैं कि उन्होंने कभी अपने मदर इन लॉ के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं खड़े होना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन सही नहीं कॉम्पिटिशन है. हाँ, मतलब इक्वल्स वाली बात नहीं है. नहीं, इक्वल्स वाली बिल्कुल बात नहीं है और उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार वो कंपटीशन अगर आ गया ना तो फिर आप हर चीज को अगर कंपटीशन के इससे अगर आप देखेंगे तो वो रिलेशनशिप का आप मजा ही नहीं ले पाएंगे. और मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप बहुत ही पावरफुल और एक्साइटिंग हो सकता है, दोनों मिलके पूरे घर पे वो राज कर सकती है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी बिकॉज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स वो उतना रिश्ता अगर उतना नहीं बन पाया तो वो जो सारे बेनिफिट्स जो वो मिलके उठा सकती है वो नहीं उठा पाती. बट मैम, मेरा अगला सवाल भी यही है कि जब मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की नहीं जमती है, तब घर का वातावरण कैसा हो जाता है? वो तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि जब कोई भी जब दो फैमिली मेंबर्स में जब अनबन होती है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब बाकी सारे लोग उस पे अफेक्ट होते हैं. और ये केस में सबसे ज्यादा तो बेटा अफेक्ट होता है या हस्बैंड अफेक्ट होता है जी. और बाकी के फैमिली घर में अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे अफेक्ट होते हैं. वो देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे अपने घर में बन रही हैं, वो रिलेशनशिप्स से सीख रहे हैं ना बच्चे. तो मुझे लगता है कि अनबन से तो डरना नहीं चाहिए, डिसएग्रीमेंट से डरना नहीं चाहिए. डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही होंगे लेकिन उसको रिजॉल्व किया जा सकता है और बहुत हेल्दी तरीके से अपने बाउंड्रीज भी सेट करने चाहिए ताकि सामने वाले को ये पता हो कि नहीं, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लिमिट्स है जी. वो एक्सपेक्टेशन सेट करने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जो वो बोलेंगी वो आप सुनते जाओ या वो बिल्कुल अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल बर्बाद कर दो और वो जो बोल रही है वो करो. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखना ही है बट एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट इफ समथिंग हर्ट्स यू rather than sharing it with the world, share it directly with your mother-in-law. And rather than sharing it with your husband, I think it is still better that you, in plain words, as a human-to-human interaction, if you share, जी. तो काफी बार ऐसा होता है कि अरे मुझे तो लगा था कि तुमने इसलिए ऐसा बोला था, ऐसा करके वो सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम्स. इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं जी. तो अगर मैम इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते तो वो इतने बड़े लगते क्यों हैं? वो इतने बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि एक थिंकिंग जो होता है कि
मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जी, जब मेरी कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन होती है कि इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए जी, वो जब पूरा नहीं होता तब वो वैसा प्रॉब्लम दिखने लगता है और बनने लगता है। उसको उसको ना एक हमारे साइकोलॉजी में एक टर्म है डिमांडिंगनेस जी। डिमांडिंगनेस मतलब जैसा मेरा पर्सपेक्टिव है, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए जी। अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर मुझसे टॉलरेट नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी वगैरह, ये लैंग्वेज आना चालू हो जाता है जी। तो वो मतलब अपने आप को ये पूछना चाहिए कि ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन हो सकता है, लेकिन सामने वाला वो एक्सपेक्टेशन पूरे करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है, वो कौन से बैकग्राउंड से आया है, उनका एजुकेशनल वो कैसे रहा है जर्नी अब तक का, बाहर की दुनिया उन्होंने कितनी देखी हुई है। जब आप ये सब चीजों के बारे में सोचते हैं तब वो प्रॉब्लम फिर छोटा हो जाता है। मैम एक सडनली मैम एक वक्त था जब घर के चार दीवारों के जो सटा हुआ दरवाजा होता था उसके बाहर सिर्फ लोग आया जाया करते थे। मैम एक वक्त आया जब बातें भी बाहर निकलने लगी, और मैम वो एक घर के लिए बड़ा अपमानित होता है कि जब आपके घर की बातें बाहर जा रही हैं, जबकि भले ही वो बातें लड़की अगर अपनी माँ को बता रही है ना, ससुराल की बातें जब आप अपनी माँ को भी बताते हैं तब भी वो एक तरीके से अपमान ही होता है उस पर्टिकुलर घर का जहां पर वो रह रही है। तो मैम लोगों ने तो ग्रुप्स बनाए हैं, आई हेट माय सासू माँ ग्रुप, माय बहू इज अ बिच ग्रुप। मैम ऐसी ऐसे ग्रुप्स बने हैं मैम, ऐसे हैशटैग्स भी बने हैं, ऐसे हैशटैग्स भी बने हैं मैम, बड़े ट्रेंडिंग हैशटैग है। लेकिन क्या मैम ये जो पूरा गॉसिपिंग वाला जो पूरा एक प्रक्रिया है गॉसिपिंग की, इसको किस तरह से देखती है? ये तो इमोशनल बैंक अकाउंट में से बहुत ही जोरदार विड्रॉल्स हैं। देखिए कैसा है कि दोनों के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए मतलब माय बहू इज अ बिच वाले ग्रुप के लिए भी जी, एंड आई हेट माय सासू मां क्लब वालों के लिए भी जी, मुझे एक ही सवाल पूछना है कि क्या आप अपने माँ की इस तरह से बुराई करते हैं? नहीं। और क्या आप अपने बेटी की इस तरह से बुराई करते हैं? क्योंकि आपको तो आपके बेटे के सारे प्लस माइनस पॉइंट्स बहुत अच्छे से मालूम है, किसी और से ज्यादा मालूम है, तो क्यों आप नहीं बताते? वो आप इसलिए नहीं बताते क्योंकि आपको एक आइडेंटिफिकेशन होता है वो इंसान के साथ, जैसे माओ को अपने बेटियों के साथ एक आइडेंटिफिकेशन होता है जी, और बेटों के बारे में भी आइडेंटिफिकेशन होता है माँ को, इसलिए उनको वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं ये मालूम होता है। बट व्हेन इट कम्स टू मदर इन लॉ तो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट फुल्ली, एंड बिकॉज दे लिव इन द सेम हाउस इट इज स्लाइटली अनफेयर दैट बिकॉज यू लिव इन द सेम हाउस बोथ ऑफ देम मेनी टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और मे बी कि हम वो सिचुएशन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जब वो दोनों साथ में रह रहे हैं जी, उनको एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा चीजें मालूम होती हैं जी, तो उतने लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो होनी चाहिए। पर टिट फॉर टैट करना, टिट फॉर टैट मतलब अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसके पीछे की मैं थोड़ी साइकोलॉजी में बताती हूँ। क्या होता है कि हम किसी तरीके से कोई चीज जब एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे अगर फॉर एग्जांपल एक डॉटर इन लॉ ने एक्सपेक्ट किया कि उसकी मदर इन लॉ ने इस तरह से करना चाहिए, वो वैसे नहीं कर रही है, तो वो ये सोचती है कि कल को मुझे भी चांस मिलने वाला है, तब मैं देखती हूँ फिर कि मैं मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और वैसा मौका उसको मिलता है बहू को, ठीक है। अब वो उसी तरह से बिहेव करती है जैसे उसकी मदर इन लॉ ने बिहेव किया था, ठीक है। और जब ऐसा होता है तब वो डॉटर इन लॉ की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी और ओरिजिनल साइकोलॉजी और ओरिजिनल सेल्फ होता है वो उससे दूर जा रही है जी, क्योंकि वो अपने मदर इन लॉ जैसा बिहेव करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपने खुद के इनर मोस्ट सेल्फ से दूर जा रही है जी।
तो भले ही वो अपने मदर इन लॉ जैसा बिहेव करके टिट फॉर टैट उस वक्त के लिए कर दे, लेकिन उसके खुद के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जी। क्योंकि वो नहीं है खुद वैसी, लेकिन फिर भी वो वैसा बिहेव करने की कोशिश कर रही है जैसी वो है नहीं जी। उसकी वजह से उसके अंदर बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है एंड दैट डजंट टेक हर एनीवेयर। मैम मैं फिर से वापस से उस सवाल पे आता हूँ क्योंकि हम मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। मैम एक बहू ने एक मदर इन लॉ को किस तरीके से अपनाना चाहिए? एक्सेप्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करना चाहिए, एज अ फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपनी जो सबसे पास की जो व्यक्ति है जो कि मेरा हस्बैंड है जी, तो उसके जो इनर मोस्ट कॉर्नर ऑफ द हार्ट में जो है उसकी माँ, वैसे करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको अपने मदर की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। मदर की तरह नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मदर को हम एक्सेप्ट या नहीं एक्सेप्ट का कोई रोल ही नहीं होता है। अब मदर इज ऑलवेज इन एन एक्सेप्टेड स्टेट, तो मदर के और मदर से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं जो उन्होंने ही आपको बताए हैं कि ये तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर सकती हो, मेरे से तुम खाना गर्म एक्सपेक्ट कर सकती हो। ये मदर ने ही सिखाए हुए एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो अपने मदर से एक्सपेक्ट कर सकती है। मदर इन लॉ को एज अ मदर इन लॉ ही रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने हस्बैंड की हार्ट का सबसे डीप जो कोना है उसमें उसकी माँ है ये एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें खुशी होनी चाहिए वो डॉटर इन लॉ को। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, माँ आपके लिए आपको इतना आपने बड़ा किया, आप बड़ा किया है माँ ने आपको कि आप इस काबिल बने कि आप उसके हस्बैंड बने, ठीक है, और आज आप उसके लाइफ में अगर आई हैं और अगर वो अपने माँ के जो इच्छाएं हैं जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो भी उसकी चीजें हैं अगर वो भूल जाता है तो कल को वो फिर आप क्या हो फिर? मैम बहू जो बेटे को अपने मतलब बहू जब अपने हस्बैंड को अपनी सास से दूर लेकर जाती है और बेटा भी उस बहाव में चला जाता है कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है इससे हम थोड़ा सा दूर अब एक ब्रेक देते हैं और वो बहू के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो जाता है। मैम क्या ये जो पूरा का पूरा कर्मा का साइकिल है क्या ये रिपीट होगा बहू के साथ? वो तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि वो वैसा का वैसा रिपीट होगा या नहीं होगा, लेकिन उसमें ये होने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी देखो ये तो उस पे रीजंस पे डिपेंड करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अलग होने के क्या रीजंस है। सच में अगर जरूरी है तो अलग होना कोई बुरी बात नहीं, मतलब उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हेल्दी रिलेशंस हमने एस्पायर करने चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए जी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि घर में बिल्कुल माहौल अच्छा नहीं है और हम हमारे बच्चों को अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं तो अलग होना कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है या बहुत गलत चीज है ऐसा नहीं है, पाप नहीं है, पाप बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं जी। लेकिन अगर रीजंस अगर वैलिड नहीं है, रीजंस अगर लॉजिकल नहीं, लॉजिकल नहीं है, सेंसिबल नहीं है, सिर्फ आपको नहीं एडजस्ट करना है इसलिए अगर आप ऐसा रीजन आप अगर ये कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है कि वो जो कनेक्ट जो है आपका और आपके हस्बैंड के साथ वो आप वही है फिर से कि वो हस्बैंड के अंदर के बच्चे को आपने अगर दुखा दिया तो रूठ जाएगा मैम, तो वो रूठ जाएगा, तो वो रूठना नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है, मतलब मेरी तो यही नहीं मैम ये बड़ा कितना सरल है मैम ये कितना सिंपल है। हाँ, और जो बच्चा नहीं जो हस्बैंड अपने माँ को बहुत इज्जत दे रहा है बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है और उसकी खुशी में अपनी खुशी मान रहा है जी। वो हस्बैंड बहुत रिस्पेक्ट के को डिजर्व करता है क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना किया है उसके लिए अगर तुमको भी नहीं लगता अगर जी तो फिर आप तो फिर किसी को भी आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है उसके मन की अगर कर रहा है और अगर अच्छा बेटा बन रहा है तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि तभी वो अच्छा हस्बैंड बन पाएगा वरना कल वो अच्छा हस्बैंड भी नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा या वैसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है जी। लेकिन मतलब ये सिंपल लॉजिक मुझे लगता है कि इफ योर मदर हैज डन सो मच फॉर यू फॉर एनीबडी इवन फॉर द डॉटर्स
अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना अगर कर रहे हैं और अगर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि अभी अपने माँ बाप को भूल जाओ, जी बहुत अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है ना वो, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव डन सो मच फॉर यू, सो यू विल हैव अ वेरी यू नो क्लोज टू हार्ट रिलेशनशिप विद देम, इवन इफ दे डोंट कम्युनिकेट, इवन इफ दे डोंट टॉक, इट इज एग्जैक्टली द सेम वे. आई थिंक मैम आज का ये जो एपिसोड है इसका एक जो दूसरा अध्याय होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगा क्योंकि हम बहुओं के बारे में बात करने वाले हैं, उनके पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं. शायद सासू माएं बहुत जोड़ तोड़ कर ये एपिसोड देखेंगी अगला. आज का एपिसोड बहुओं के लिए था, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं ना मैम, अगर ये बात वाकई में वो समझ जाए जो न्यू एंट्री कर रही है और उस लड़के से वो विवाह कर रही है जिसकी एक माँ है और वो माँ उसके दिल में है और वो दिल में वो एक ऐसी जगह पे है जो एक बहुत सेंसिटिव जगह है. बिल्कुल. और क्या मैम ऐसा तो नहीं कि एक दिल के अंदर में दो महिलाएं जब आ जाती हैं तब ये शुरू हो जाता है? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिल बहुत बड़ा है, इतना छोटा दिल नहीं होता है. बहुत बड़ा दिल होता है. माँ की अपनी जगह है और बीवी की अपनी जगह है. बीवी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता जी. तो वो कॉम्पिटिशन की बात ही नहीं है उसमें. उसमें अपने आप को सिक्योर फील करना चाहिए कि इट डजेंट मैटर बिकॉज यू आर द पार्टनर, सो यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर योर हस्बैंड लाइक थ्रू आउट योर लाइफ. और माँ के लिए जो जगह है वो जगह को बहुत संभालना चाहिए डॉटर इन लॉज ने, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है. सुपर मैम, आई थिंक दिस थॉट, दिस ग्रेट यू नो ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू मैम टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस. मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर इस एपिसोड को लोग बराबर यू नो उस लॉजिक से देखे, उस खुले दिमाग से देखे, तो मुझे ऐसा लगता है दिमाग और दिल दोनों जरूरी लगेगा इस एपिसोड को देखने के लिए. और उसके बाद मैम बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद है. और मैम जिसका वो कहते हैं ना मैम, जो जब घर में शांति होती है तो जिंदगी में शांति होती है, और जिंदगी में जब शांति होती है तो सब अच्छी चीजें होती हैं. तो इसकी शुरुआत शायद इस एपिसोड को देखकर बहुत सारे लोगों के साथ होगी. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सोनल फुके मैम से बात हुई, साइकोलॉजिस्ट हैं. बड़ी इम्पोर्टेंट चर्चा हुई आज इस विषय पर, जहां पर सास बहू और साजिश ये शब्द का इस्तेमाल एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी जिस तरह से घरों में होता है कई बार वो यही कहता है साजिश. लेकिन जब कोई हम गंदी चीज देखते हैं तो हम कहते हैं ई और उसको कहते हैं गो. लेकिन जब हम खुद के अंदर में वो पालना शुरू कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं ईगो. और ईगो जो है वो बड़े बड़े पर्वतों को पानी कर देता है और बड़े बड़े समुद्र को बर्फ बना देता है. ये ईगो ही है जो आपके अंतर मन में है, और अगर आप उसको पिघला दें तो पूरी दुनिया आपको अपनाएगी. लेकिन अगर आपने उसको बर्फ बना दिया तो आपसे कोई मुस्कुरा के बात तक नहीं करेगा. जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है, घर आपका है और रिश्ते आपके हैं. इनको किस तरह से संजोना है ये आपका डिसीजन है. ये शो को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा उन्हें जिन्हें समझने की जरूरत है. जिंदा रहे. जय हिंद.